कौन से सच के बारे में डिस्कस कर रहे थे? वो एक्चुअली राधिका, इसको ना कुछ पूछना था कि वो ऋतिक क्यों आया था, मतलब काम क्या था उसको, है ना? हाँ बोला राधिका, धमकी देने आया था वो हमें। व्हाट व्हाट धमकी? रिश्ता तोड़ लिया हमने ना, तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उसकी ईगो हर्ट हो गई है कि एक लड़की ने कैसे रिजेक्ट कर दिया उसे, इसीलिए बदला लेने की कोशिश कर रहा है वो। ऐसे कोई पसंद वसंद भी नहीं करता वो हमें, अगर लाइक करता, फीलिंग्स होती तो ऐसी हरकतें थोड़ी ना करता वो। उसे ना अच्छे से पता है कि मम्मी पापा उसे पसंद करते हैं, और हमने घर में बताया नहीं एंगेजमेंट तोड़ दिया है करके, बताएंगे तो बवाल हो जाएगा, बस इसी बात का फायदा उठा रहा है वो। लेकिन ऐसा भी कोई गहरा रिश्ता था नहीं हमारा जो हमने तोड़ दिया तो खार खा के बैठा है वो। राधिका वो तुम्हें तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, तुम प्लीज ब्लैकमेल मत होना उससे। हमें होना भी नहीं है अभिषेक, हम थोड़ी ना अपनी लाइफ खराब कर देंगे उसके साथ। हमें सिर्फ उस बात की टेंशन है कि वो ऑफिस में सीनियर है, एसीएस के टॉप पोजीशन पे है। कुछ भी हो जाए झांसी, हम तेरे साथ हैं। यूनिवर्स में ना अच्छे अच्छे इंटेंशंस डाल, सब अच्छा होगा। रियल, हम जानते हैं कि शुरू से हमारे बारे में आपकी ओपिनियन अच्छी नहीं रही है। तो तुम ओपिनियन चेंज करने आई हो? टू लेट राधिका, तुम्हें अपने बारे में क्या लगता है उस हिसाब से नहीं, डिसीजन मेरिट के हिसाब से होगा। एग्जैक्टली यही कहना है, बस यही रिक्वेस्ट करना है प्रियल, अच्छा है जो भी हो जाए डिसीजन सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेसिस पे ही लिया जाए। हम जानते हैं कि पूरा मैनेजमेंट और सारे सीनियर्स मिलकर रिव्यू करने वाले हैं, तो हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी किसी दूसरे इंसिडेंट को इंक्लूड करने की कोशिश करे ना रिव्यू में, तो प्लीज उसे कंसिडर ना किया जाए। रियल, सच कहें तो हमें आपसे थोड़ा डर लगता है, पर हमें आप पर बहुत ज्यादा भरोसा है। चाहे कोई भी कुछ भी कहे, हम जानते हैं कि आप कभी गलत नहीं होने देंगे। सारे इंटर्न्स के अप्रेजल्स हमारे पास है। मुझे जेन्युइनली लगता है राधिका में असेट बनने का पोटेंशियल है, आइडिया से लेकर एग्जीक्यूशन तक उसने बहुत अच्छा किया। सॉरी बट आई बेग टू डिफर, मुझे लगता है हमें उन्हीं इंटर्न्स को परमानेंट करना चाहिए जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रख सके, ऐसे मिक्सअप करके केओस और कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, अपने काम पर पूरा फोकस कर सके। जापानीज कलीग्स के सामने राधिका अपने ही प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाई थी ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, एंड वी ऑल नो दैट। और भी तो इंटर्न्स हैं ना जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, जो ज्यादा डिजर्विंग है। मेरे हिसाब से कार्तिक ज्यादा डिजर्व करता है, एंड इफ यू आस्क फॉर द सेकेंड ऑप्शन देन जीशान, बट राधिका डेफिनेटली नो। आई एग्री। हो गई मीटिंग खत्म। आई थिंक रिजल्ट्स ईमेल किए हैं। गॉड, मेरा भी नहीं हुआ यार। यार मेरा भी गेम ओवर। मैंने
निकले छोटे छोटे शहरों से, हम छोटे छोटे शहरों से। मेरा भी कंफर्म हो गया राधिका। बहुत ही चीप वाली हरकत की है यार ऋतिक ने। मैं तो उसे क्या क्या समझ रही थी, कितना कमीना निकला। डे वन से ही पता था वो झोलर है। ये आंटी को कॉल करके रोना धोना कंप्लेनिंग ये वो कौन करता है यार, कम ऑन ग्रो अप। किसने क्या किया श्री, क्या हुआ? सच में जा रही हो घर छोड़ के? आपने कोई और विकल्प तो छोड़ो नहीं हमारे लाने। मन में कोई गलत फहमी मत रखना। एक बार इस घर को छोड़ के गई ना गोमती, तो हमेशा के लिए तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद समझना। जैसा आप ठीक समझे। सच तो है ना राधिका, आज नहीं कल तो पेरेंट्स को बताना ही पड़ेगा ना कि तुमने ये रिश्ता इसीलिए तोड़ा क्योंकि तुम्हें उस लड़के से प्यार है। कुट्टी जी, जी जी क्या बोल रहे हो? मम्मी झूठ बोल रहे हैं क्या? कॉल कौन लड़का, क्या कुछ भी बोले जाएंगे आप? फिर तो और भी टेंशन वाली बात है ना? आप ही कह रही है ना, बिना कमिटमेंट के या अफेयर के आप एक लड़के के साथ झांसी चली गई। वो गया था तुझे झांसी ड्रॉप करने के लिए, कैसा रहा फिर? हाँ पर ड्रॉप करके वापस आ गया मुंबई। मैं इतनी टेंशन चल रही थी कि झांसी ढंग से घुमा भी नहीं पाया उसे। तुमने हमें बताया नहीं कि ऋतिक जी तुम्हें झांसी छोड़ने आए थे? सच बताइए, कुछ नहीं आप दोनों के बीच में? हम्म, राधिका और मेरे बारे में अपनी बकवास अपने पास रख, वाइब मत खराब कर। और तू तू है कौन हमारे बारे में बात करने वाला? अभिषेक तुम प्लीज। मैं तुझसे बात कर रहा हूं, जवाब देगा? मैंने तो तेरा नाम लेके कुछ कहा ही नहीं, फिर भी तू भड़क रहा है, मतलब कुछ है ना? घूर क्या रहा है? अरे हिम्मत है तो सबके सामने सच बोलना। गया था ना तू राधिका के साथ झांसी, पर क्यों? लगता क्या है तू उसका? बोलना। अरे बोलना। हाँ पसंद करता हूं मैं राधिका को। कुछ तो काम आया ये इडियट ऋतिक। मैं राधिका की मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, पर उसके बदले में मुझे राधिका से कुछ नहीं चाहिए। और यही फर्क है, तुझ में और मुझ में यही फर्क है। अच्छा अभिषेक नाम है ना तेरा? तुझे क्या लगता है सब लोग यहाँ पे बेवकूफ हैं? तू कहेगा कि राधिका से तुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, तू फ्री फंड में उसकी हेल्प कर रहा है, सब मान लेंगे राइट? रिलेशनशिप गिव एंड टेक का होता है अभिषेक। आई एम श्योर तुझे भी राधिका से कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा, शायद प्यार,
यहाँ से ऋतिक तमीज से बात करो तुझे तो मैं हमारी बेटी के बारे में बात कर रहे हो तुम दोबारा ऐसी घटिया बात अपनी जुबान पे लाए हमारी बेटी के लाने तो जुबान खींच लेंगे तुम्हारी जान से मार के जमीन में गाड़ देंगे तुमको निकलो यहां से जाइए मुझे भी रिश्ता नहीं करना ऐसे घर में और राधिका ये रिश्ता तुम नहीं तोड़ रही हो मैं तोड़ के जा रहा हूं निकल जा वरना अपनी हड्डियां हाथ में लेके जाएगा तू हम पहले दिन ही समझ गई थी तुम्हारी नजर हमारी गुड्डी पर थी ऋतिक ने जो किया सो किया पर ये जो यहां सब हो रहा हुआ है ना इसमें गलती सभी से की भी है सब सत्यानाश होगा हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई हां जी अच्छा सुन आधार कार्ड ले लिया ना तूने पहुंच के फोन करना है अभिषेक तू बस जल्दी आ अंकल 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 आपको मेरी आवाज आ रही है अंकल हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा वॉचमैन वॉचमैन जल्दी ऊपर आओ देखिए आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं है वो ठीक हो जाएंगे सिचुएशन अंडर कंट्रोल है सो रिलैक्स सर एग्जैक्टली स्टेटस क्या है
एक्चुअली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया था, उसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे और सर पे थोड़ी चोट भी आई है, पर अभी सिचुएशन कंट्रोल में है और आज रात हम उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और फिर कल सुबह ही हम उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। थैंक यू। अरे गुड्डी, मत रो, जो कह रहे हो ना हम ठीक हैं। राधिका तुम घर जाके रेस्ट कर लो, तुम कब से यहीं पे हो, सोए भी नहीं हो, तुम जाओ अंकल के पास में, हो पूरी कंपनी को मैंने। क्या हुआ? क्या बोला डॉक्टर्स ने? होश आया अंकल को? हाँ, वो डॉक्टर ने कहा कि कल डिस्चार्ज हो जाएंगे। गुड्डी, अभिषेक? अब वो पापा के पास ही है। गुड्डी सर, झांसी, जो चीजें ऑब्वियस है ना उन चीजों को ना तुम इग्नोर नहीं कर सकते। यू गाइस लव ईच अदर। ठीक राधिका, फाइनल डिसीजन तेरा ही है, पर अगर तूने और अभिषेक ने एक दूसरे को नहीं चूज किया ना तो लॉस तुम दोनों का ही है। और राधिका, लाइफ पार्टनर अगर आपका बेस्ट फ्रेंड बने ना तो उससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती है। दोस्त ना आपको समझते है, वो आपकी रिस्पेक्ट करते है, एंड प्यार में खुद प्यार से बढ़कर एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती है। अगर हम ये सब समझने की कोशिश करें भी ना तो हमारी फैमिली इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और हमारे फैमिली की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, और उनका दिल तोड़कर हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। प्लीज राधिका, किसी और की वजह से तू अपनी लाइफ खराब नहीं कर सकती है, चाहे वो फैमिली क्यों ना हो। एंड ट्रस्ट मी, तेरे फैमिली को भी खुशी तभी मिलेगी जब तू एक ऐसे बंदे के साथ होगी जिसके साथ तू खुश है। और तेरी खुशी ना झांसी अभिषेक के साथ है यार, और ये बात ना पहले तो तू समझ, तू समझ जाएगी ना तेरी फैमिली भी समझ जाएगी। जाओ तुम, जरूर याद रखना कि पूरी बिरादरी की नजर तुम पे गड़ी होगी, हमारी इज्जत हमारी जान है, बस हमारी नाक मत कटने देना। श्री हम समझ रहे, पर तुम प्लीज समझने की कोशिश करो, अपनी खुशी के चक्कर में हम फैमिली की बेइज्जती तो नहीं करा सकते यार। जब कोई हमारे साथ नहीं था तब वो लोग हमारे साथ थे, मम्मी पापा सबने कितना कुछ किया है हमारे लिए, कितनी कुर्बानियां दी है। पापा ने पूरे सोसाइटी से लड़कर हमें पढ़ाया लिखाया, मम्मी पूरी फैमिली से लड़कर हमें मुंबई भेजी, और अब जब हमारी बारी आई है उनकी खुशी के बारे में सोचने की तो सिर्फ हमारे खुशी के बारे में सोचकर हम सेल्फिश तो नहीं हो सकते ना श्री। श्री अभिषेक और हमारी स्टोरी का यही थी एंड। सुमन जी, आपने ऐसे बुलाया हम दोनों को, सब ठीक तो है ना? नहीं। गुड्डी, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ पूछा है, उसका जवाब दो। अभिषेक ने तो पहले ही बोल दो कि वो तुम्हें पसंद करता है, और ये बात हमारी आंखों ने देख भी ली। गुड्डी बताओ, तुम्हारे मन में अभिषेक के लाने का है, पर सबका क्या फायदा मम्मी? परिवार की इज्जत
नाम रेपुटेशन सब। गुड्डी जब हमें जरूरत थी ना हमारा परिवार नहीं था हमारे साथ, हमारी जी बेटी थी, इसलिए आज से हमारे लाने हमारी बेटी की खुशी सबसे पहले। इसलिए तो पूछ रहा हूं तुम भी अभिषेक को पसंद करती हो का? जो एक्चुअल में जो फील कर रहे हैं, जो भी सच है वो तुम्हें बता रहा है बस। अभिषेक लाइफ में पहली बार हमारे अंदर से आवाज आ रही है कि हम इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। पर हम जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहते, हम समझना चाहते हैं अपनी इन फीलिंग्स को, हमारे रिश्ते को, एक दूसरे को, हम एक मौका देना चाहते। पर तुम तो दिल्ली जा रहे हो। मैं वो जॉब छोड़ूं? अरे नहीं अभिषेक, बिल्कुल भी नहीं, प्लीज। ना तुम्हें ना हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए ये चांस छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम दोनों कॉम्प्रोमाइज ना करें और फिर भी हमारा रिश्ता बना रहे तब जाके कोई बात है ना। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, वो पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद का तब देख लेंगे। पर जाने से पहले क्या मैं अपनी ऑलमोस्ट गर्लफ्रेंड को हग कर सकता हूँ? प्लीज सजना, दिल्ली पहुंच के कॉल करना बेटा, ध्यान रखना अपना। भाभी भैया कैसे हैं? बोलिए ना बड़ी मम्मी। गुड्डी तुम्हारे बड़े पापा अपने कर्मों की सजा भुगत रहे। पहले उस घर में हंसने बोलने की आवाजें गूंजती थी, आज सन्नाटा पसरा हुआ है, कतई अकेले हैं वो। लवी दत्ता? अरे वो तो घर पे रहता ही कहाँ है, दिन भर मिली के साथ घूमता फिरता रहता है, और अगर घर पे रहा भी तो फिर मिली के साथ ही रहता, पापा के साथ नहीं। काश हम उनकी कोई हेल्प कर सकते। हेलो अभिषेक,
हमें ना तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। आज हमें शर्म आ रही है अपने परिवार के सामने खड़े होते। भैया जी क्या बोल रहे हैं आप बड़े हैं और जब बड़े छोटों की गलतियां माफ कर देते तो छोटों का भी तो फर्ज बनता है बड़ों की गलती को भुला दे। और कौन से परिवार में अनबन नहीं होता है, लेकिन किसी भी परिवार से बढ़कर कोई अनबन नहीं होती। गुस्से की कड़वाहट रिश्तों की मिठास से बढ़कर नहीं होती भैया। और कभी कभी दूर जाने के बाद ही पता चलता है कि हम सब कितने करीब हैं। बस कीजिए भैया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.